सोहना के नगली मोड़ वार्ड नंबर 13 में बने मॉडर्न सीएससी सेंटर पर गुरुग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी ने कस्बे की सामाजिक संस्था उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट व सिद्दीकी फाउंडेशन के साथ मिलकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें कस्बा सहित सोहना के साथ लगते गांवों की करीब 500 महिलाओं ने भाग लिया। सेमिनार में आने वाली महिलाओं को कार्यक्रम समाप्ति पर एक किट प्रदान की गई, जिसमें महिलाओं की जरूरत का सामान दिया गया। इस अवसर पर सभी महिलाओं के लिए दोपहर के खाने की व्यवस्था भी की गई। वहीं छोटे बच्चों के लिए रेड क्रॉस की तरफ से चॉकलेट वितरित की गई। उक्त सेमिनार में पहुंची महिलाओं को सिद्धि फाउंडेशन की चेयरपर्सन मीणा महाजन ने आध्यात्मिक व शारीरिक जानकारी देते हुए कहा कि हमें अपने शरीर के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें अपने शरीर के बारे में जानकारी नहीं होगी, तब तक हम विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। वहीं कई बीमारी तो इतनी गंभीर होती है कि हमारी जान भी चली जाती है, इसलिए हमें समय से खाना व समय से सोना चाहिए, साथ ही हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना चाहिए। आज हम शक्ति दिवस मना रहे हैं और आध्यात्मिक गुरु होने के नाते और सिद्धि की संस्थापक होने के नाते आज क्योंकि मेरा जन्मदिन है, उस दिन सिद्धि में इसको शक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और मेरा ये मानना है कि इससे अच्छा कोई और मौका नहीं हो सकता कि हम इस तरह से शक्ति दिवस को मनाएं, जहां पर 250-300 महिलाओं के साथ उनको प्रोत्साहन दें, उनको ज्ञान दें, आध्यात्मिक ज्ञान दें, उनके शरीर के बारे में ज्ञान दें, हेल्थ हाइजीन के बारे में उनको बताएं। तो आज हमारी तरफ से मेरी पूरी टीम यहां पर आई हुई है वॉलंटियर्स की, और हम सब ने आज इनको ज्ञान भी दिया और इनको कुछ झोले बनाकर हमने दिए हैं, इनको वातावरण के बारे में सूचित किया, इनको अच्छी अच्छी बातें बताई और उन झोलों में इनके इनके यूज़ का इस्तेमाल का सामान डाला है, जिसमें सैनिटरी पैड्स हैं, साबुन हैं, दवाइयां हैं, कैल्शियम है, विटामिन है, आयरन है, और इनको समझाया आज की किस तरह से एक औरत के लिए ज़रूरी है कि वो शक्ति का रूप होती है, वो प्रकृति है खुद में, और कितना ज़रूरी है उसे अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का ध्यान रखना। गुरुग्राम रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव श्याम सुंदर ने महिलाओं से विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि सोहना में जल्द ही उन बेरोजगार परिवारों को रेड क्रॉस की तरफ से मुफ्त रिक्शा दिए जाएंगे जिनके पास फिलहाल कोई रोजगार नहीं है। वहीं सोहना में जल्द ही फर्स्ट एड की ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर रेड क्रॉस विभिन्न प्रकार के कार्य सोहना में शुरू करने के लिए जा रही है, जहाँ पर महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी और जो अपना एक सिद्धि फाउंडेशन है वो, और उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट जो है सोना में, उन्होंने नारी शक्ति पे एक कार्यक्रम किया है और महिलाओं को किस प्रकार से समाज में, देश में रहना चाहिए और किस प्रकार से अपने स्वास्थ्य का वो ख्याल रखे, इन सब चीज़ों को लेके आज का ये वर्कशॉप कहिएगा या मीटिंग कहिएगा या कार्यक्रम कहिएगा, इसमें महिलाओं को किट भी वितरित की गई है और उसमें बताया गया है कि हम किस प्रकार से समाज के लिए काम कर सकते हैं। इसमें काफ़ी दिव्यांगजन भी आए हैं, कुछ ऐसी विधवा बहनें भी आई हैं जिनकी पेंशन बनने की आवश्यकता है, वोट बनने की आवश्यकता भी है। तो रेड क्रॉस सोसाइटी इन सब लोगों में बीच में रह के सहयोग करेगी और हमारा प्रयास है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की जो गतिविधियां हैं वो हम इनके साथ मिलकर करें, जिससे कि आम जन तक इसका फ़ायदा पहुँचे। और आज का दिन वास्तव में जिन महिलाओं ने भाग लिया है उनको इसका लाभ भी मिला है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। और रेड क्रॉस सोसाइटी जो नैपकिन पैड वगैरह है वो भी यहाँ वितरित करेगी, इसके अलावा जो भी आवश्यकता होगी वो भी हम सहायता के लिए हमेशा तैयार। सेमिनार में पहुंची महिलाओं को उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट की चेयरपर्सन बबीता यादव व सीईओ बलवीर सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई हुई हैं, लेकिन महिलाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही। कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्नति चैरिटेबल ट्रस्ट सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर के सेंटर सहित कंप्यूटर कोर्स भी मुफ्त कराता है, जिनमें ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आकर इन कार्यों को सीख कर आत्मनिर्भर बनें।